सच ही कहा किसी ने, भरोसा जब प्रभु पर हो तो प्रभु कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी बन के भी खड़े हो जाते हैं। हमें छोटी छोटी बातों में ईश्वर से नाराज नहीं होना चाहिए। आज आपको एक सुंदर सी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद आपको भी समझ आ सके कि प्रभु की कृपा किसी भी रूप में किसी भी तरह से हो सकती है। एक बार की बात है कि ट्रेन में जैसे सब चढ़ रहे थे वैसे ही एक व्यक्ति चढ़ा और उसने देखा कि दरवाजे पे ही एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी और बहुत जोरों से रो रही थी। उस व्यक्ति को कुछ समझ में ना आया, उसने सोचा शायद किसी को छोड़ के जा रही है, किसी से बिछड़ गई या कोई दुख दर्द है तो ये रो रही होगी। वो गया और अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद भी उस महिला का जो रोना था वो लगातार जारी रहा। कई लोग ट्रेन से अपनी सीट से उठ के उसके पास पहुंचे और उन्होंने जानने का प्रयास किया कि माताजी आप क्यों रो रही हो, आपको क्या परेशानी है, लेकिन उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। एक सज्जन जो बैठे हुए थे, बहुत देर हो गया जब माताजी को रोते रोते उनसे रहा नहीं गया, तो वो पहुंचे और जाकर उनके पास वहीं जमीन पर बैठ गए और उन्होंने कहा आपको बताना ही होगा कि आपके रोने का क्या कारण है, क्या हम कोई आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और उस लिफाफे से एक बड़ी अच्छी महक आ रही थी और मेरे हाथों में दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, क्या कहना चाह रही हो आप। तब उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा मैं अभी वृंदावन से आ रही हूँ, मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ मुरली मनोहर की, मैं उनके दर्शन करने के लिए गई थी, बहुत लंबी लाइन लगी, अंततः मेरी बारी भी आ गई और मैंने दर्शन किए, पर मैंने मुश्किल से 200 रुपए जोड़े हुए थे वो मैंने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिए। वहां से पुजारी जी ने मुझे सिर्फ प्रसाद में एक पेड़ा दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पुजारी जी से कहा कि आप मुझे कम से कम 2 पेड़े दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। लेकिन पुजारी जी ने नहीं सुना और कहा कि जो पीछे से आ रहे हैं वो आ जाएं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं भगवान को ही बुरा भरा कहने लगी कि मैं इतनी दूर से आई, घंटों में लाइन में लगी और मुझे कम से कम 2-3 प्रसाद के पेड़े मिल जाते जिससे मैं अपने परिवार में भी लोगों को प्रसाद खिला पाती, ये क्या, मुझे तो आपके दरबार में एक ही पेड़ा मिल पाया, मैंने 200 रुपये भी चढ़ाए थे। कुछ नहीं और ऐसा बुरा भला कहते हुए मैं आके मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। लगातार मैं कोसे ही जा रही थी, बेकार ही आई, भीड़ में आई, धक्का मुक्का खाया और प्रभु ने भी नहीं सुना, ये क्या हुआ, मैं घर जाकर लोगों को क्या प्रसाद दूंगी। तभी भीड़ से एक बच्चा जो था वो दौड़ता हुआ आया और कहने लगा मेरे पास आके, अम्मा अम्मा आप मेरा एक काम करोगी, मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ, मेरा ये लिफाफा पकड़ना, मैं अभी आता हूँ और फिर आपसे ये लिफाफा ले लूँगा। इतना कहकर वो चला गया। मैं भी शांत हो गई, उस बच्चे का इंतजार करने लगी, लेकिन बहुत देर हो गई, वो बच्चा लौट के आया ही नहीं। जब मुझसे नहीं रहा गया कि वो कहाँ चला गया तो मैंने वो लिफाफा खोला, ये क्या था, लिफाफे में 400 रुपए थे और उसमें 4-6 पेड़े पड़े हुए थे। मेरे 200 भी वापस हुए, 200 और भी मिल गए और 4-6 पेड़े भी हो गए प्रसाद के लिए। मैं प्रभु को तरफ देखने लगी और बार बार कहने लगी, हे प्रभु आप किस रूप में आके क्या कर दो, ये नहीं कह सकते, मैं तो बेकार ही नाराज हो रही थी। बिल्कुल सही बात है, हम आप भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं, जैसे ही हमारी कोई बात नहीं होती हम कहना शुरू कर देते हैं भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, भगवान तो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं। धैर्य रखिए, सुनेंगे भी करेंगे भी, बात है सिर्फ विश्वास की, विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास रखिए, प्रभु आपकी कृपा भी आपके ऊपर करेंगे और सारथी बनके आपको जीवन की राह भी दिखाएंगे, बस एक पक्के विश्वास की जरूरत है। कैसी लगी आपको ये सोच, फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।